प्लेन एट्रीब्यूट्स यानी सनातनी पौने या ग्रेय या भूमंडलीय पौने, जैसे कि हमने पौन के बारे में पहले पढ़ा था कि पौन क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल मोमेंट होता है हवा का उसको पवन कहते हैं। फिर बात किया था कि पवन कितने प्रकार की होती है, तो एक परमानेंट विंड्स और पीरियोडिक विंड्स और एक आपका तीसरा जो है लोकल विंड्स। तो परमानेंट विंड्स जो हैं वो तीन प्रकार की होती है, जो प्रेशर बेल्ट हमने पढ़ी थी, सात प्रेशर बेल्ट जो हैं आपकी बनती हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो 60 डिग्री के आसपास, और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। कहाँ पे बनती हैं? इक्वेटोरियल रीजन में 10 डिग्री में 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, यानी भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पे। उसके बाद 25 से 35 डिग्री के बीच आपकी बनती है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पे, दोनों हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, यानी 30 डिग्री के आसपास 25 से और 33 डिग्री के बीच। फिर एक आपकी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट या अधोध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी बनती है, जो आपकी 45 डिग्री से और 65 डिग्री के बीच। और फिर दोनों ही पोल्स पे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट यानी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी बनती है। तो इस तरह से ये सात आपकी वायुदाब पेटियाँ यानी प्रेशर बेल्ट्स हैं, और इन्हीं के अनुसार आपकी जो है ये भूमंडलीय पौने यानी जो सनातनी पौने हैं इन्हीं पेटियों के अनुसार चलती हैं। तीन तरह की होती हैं ये ट्रेड विंड्स या सन्मार्गी पौने, दूसरी होती है आपकी वेस्टलीज पछवा पौने, और तीसरी होती है आपकी पोलर विंड्स। तो सबसे पहले हम जो तो लेते हैं वो आपकी सनमार्गी या ट्रेड विंड्स, ये कहाँ से चलते हैं? जो सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण कटिबंधीय जो आपका उच्च वायु दाब कटिबंध है, वहाँ से ये जो विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब कटिबंध है यानी ITCZ इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की तरफ वो जो है ये चलती है। तो इनको क्या बोलते हैं हम? सन्मार्गी पौने या ट्रेड। ट्रेड जो शब्द है उससे इनको व्यापारिक पौने भी कहते हैं, लेकिन व्यापारिक पौने इनका सही नाम है। ट्रेड का मतलब यहाँ पे है जो अपना जो मार्ग है उसको सारा साल यानी नियमित रूप से उसी का अनुसरण करती है, यानी वो ट्रेड है। तो इसको व्यापारिक पौने भी बोलते हैं और इसको सन्मार्गी पौने भी बोलते हैं, क्योंकि ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ आती है। इनकी दिशा जो है आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध इधर से ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, इसलिए इनको कभी कभी पूर्वी पौने भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो दिशा है वो दोनों गोलार्ध में पूर्व की तरफ से रहती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में पवन का नाम किस पे होता है? जिधर से पवन आती है पवन का नाम उसी दिशा के नाम पे रखा जाता है यानी बोला जाता है। तो ये कौन सी है? दक्षिणी नहीं, उत्तरी पूर्वी आपकी सन्मार्गी पौने। और अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में या आप दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो इनकी दिशा कहाँ से रहेगी? आपकी
दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ, यानी उसके उलट। ये दिशा क्यों बदलती है? कोरियोलिस फोर्स की वजह से, यानी जो फेरल का नियम हमने पढ़ा था कि जो पवने हैं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी कहाँ हो जाती हैं, बाईं ओर लेफ्ट को डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, यानी विक्षेपित हो जाती हैं। तो ये है आपकी सन्मार्गी पवने। हाँ, ये क्योंकि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ आती हैं तो बहुत ज़्यादा बारिश नहीं करती हैं। हाँ, ये जब कभी समुद्री भाग से गुजरती हैं तो समुद्री भाग से गुजरने के बाद कुछ मॉइस्चर कंटेंट, कुछ जलवाष्प ग्रहण कर लेती हैं, तो ये महाद्वीपों के पूर्वी भागों पे, कॉन्टिनेंट्स के जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं वहाँ पे कुछ वर्षा करती हैं। पश्चिमी जो साइड है वहाँ पे ये बारिश नहीं करती। हाँ, फिर ये यहाँ पे आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यहाँ पे दोनों आगे कन्वर्ज करती हैं, यानी अभिसरण करती हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं, तो टकरा की यहाँ पे ऊपर उठती हैं। और क्योंकि यहाँ पे ओशियंस हैं, महासागर हैं, तो मॉइस्चर कंटेंट भी रहता है और वायु धाराओं के रूप में, यानी एयर करंट्स के रूप में ऊपर उठ जाती हैं। ऊपर उठने से वही ठंडी होती हैं, वो शांत पे पहुंचती हैं, संतृप्त हो जाती हैं, संघनन शुरू होता है, बादल बनते हैं और इक्वेटोरियल रीजन में ये खूब बारिश करती हैं। तो ये निश्चित मार्ग पे चलती हैं और 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी जो है चलने की जो है स्थायी नियमित और विश्वसनीय पवने हैं। ये अधिकतम विकास इनका महासागरों पे होता है, भूमध्य रेखा के निकट टकराती है, ऊपर उठकर भारी वर्षा करती हैं। अच्छा, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के साथ साथ सन्मार्गी पवन की पेटी भी उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ खिसक जाती है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ये पेटी खिसक के उत्तर की तरफ, और जब दक्षिणायन होता है तो इनका चलने का मार्ग भी थोड़ा दक्षिण की तरफ जो है खिसक जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेते हैं हम आपकी पछुआ पवन या वेस्टर्लीज पवन। वेस्टर्लीज जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री के पास सदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ से चलती हैं आपकी अधोध्रुवीय, यानी सब पोलर जो लो प्रेशर बेल्ट है उसकी तरफ। कहाँ से? उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से अधोध्रुवीय निम्न वायु दाब की तरफ। इनकी दिशा वही कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट रहता है। उत्तरी गोलार्ध में आपका दक्षिण पश्चिम से लेके और जाति केंद्र को है आपकी उत्तर पूर्व की तरफ, और आपका दक्षिणी गोलार्ध में आपका जो है उत्तर पश्चिम से लेके आपकी जाति के दर्शन दक्षिण पूर्व की तरफ। क्योंकि ये पश्चिम से आती है, कोरियोलिस फोर्स यानी फेरल वाला जो नियम हमने पढ़ा था उसका पढ़ाव प्रभाव रहता है, उसकी वजह से इनको पछुआ पवने कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जल और स्थल का यहाँ पे वो है उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए यहाँ पे जो है ये पवने थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ, ये जो सदर्न जो हेमिस्फीयर है वहाँ पे बड़ी अपनी नियमित और तेज गति से बहती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बेल्ट भी सेल्स में
यानी छोटी छोटी जगह पे बनती हैं, अंध महासागर में ठीक से डेवलप होती है। तो ये है आपकी पछवा पवने। यहाँ पे ये पवने आपकी, क्योंकि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जारी है और अपेक्षित गर्म से ठंडे की तरफ जारी है, तो ये कुछ बारिश करती है। और ये बारिश करती है जो आपके महाद्वीप के जो वेस्टर्न पार्ट है, जैसे वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न कनाडा और वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न जो चिली है, वहाँ पे ये वर्ष भर बारिश करती है, वर्ष भर बारिश करती है। समाधि पवने कहाँ करती हैं? आपके पूर्वी भागों में। और जो आपकी पछवा पवने कहाँ पे करती हैं? आपके पश्चिमी कॉन्टिनेंट्स के पश्चिमी भागों में ये बारिश करती है। जैसे मैंने बताया वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न आपके कनाडा और आपका वेस्टर्न जो चिली है, वहाँ पे ये बारिश करती है। दिशा इनकी भी ये रहती है। हाँ, एक जो साउथ में है, दक्षिणी गोलार्ध में, ये बड़ी प्रचंड गति से चलती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बेल्ट भी ठीक से डेवलप होती है और इन हवाओं की गति भी तेज रहती है। तो इनको कुछ नायकों ने नाम दिए हैं, जैसे 40 डिग्री लेटीट्यूड के पास इनको बोलते हैं रोयरिंग 40s, चीखता 40। 50 डिग्री के आसपास इनको बोलते हैं फ्यूरियस 50s, यानी चीखता 50। वो क्या था? चीखता 50। और 60 डिग्री के आसपास इनको बोलते हैं श्रीकिंग 60s, यानी दहाड़ता 60। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि चिल्लाता 40, चीखता 50 या दहाड़ता 60, ये कौन सी हैं? तो ये पछुआ पवने हैं दक्षिणी गोलार्ध में। इसके बाद आपकी जो तीसरी टाइप बचती है वो है आपकी पोलर विंड्स। अभी आज का टाइम हो रहा है तो इसको थोड़ा क्लोज कर लेते हैं। ये जो है पोलर हाई से, पोलर हाई से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ पवने चलती है, दोनों ही गोलार्धों में, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। ये जो पवने हैं यहाँ पे, क्योंकि कोरियोलिस इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम कहाँ होता है? आपका इक्वेटर पे होता है, और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो आपका पोल्स पे होता है। तो इनमें विक्षेपण बहुत होता है, यानी ये डिफ्लेक्ट बहुत हो जाती है, और एक तरह से ये 90 डिग्री, ये इनको इसके पूर्वी बोलते हैं, पूर्व से पश्चिम को चलती है। हाँ, ये भी क्योंकि ठंडे इलाके से आ रही है और कंपेरेटिवली गर्म इलाके की तरफ, तो ये भी बारिश नहीं करती हैं। हाँ, ये उत्तरी अमेरिका और रशिया वगैरह में कड़ाके की जो है आपकी कोल्ड वेव, यानी शीतलहर पैदा कर देती है, ठीक है। हाँ, जब ये आती है यहाँ पे और जब साउथ की तरफ से या जो पछवा पवने से इनका टकराव होता है, तो ये वो जो है क्या बनाती है? चक्रवात, चक्रवातों का निर्माण करता है। चक्रवात बनने के बाद में जो टेम्परेट जो साइक्लोन होते हैं, चक्रवात बनते हैं और ये फिर वहाँ पे बारिश भी होती है। जब कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास मिलने का स्थान जो होता है, वहाँ पे वो जो है ये चक्रवातों का निर्माण करती है और कोल्ड वेव जाती है। इनकी दिशा विक्षेपण के कारण बिल्कुल एक तरह से पूर्वी हो जाती है, तो इनको भी पूर्वी पवने कहते हैं। तो आज की आपकी तीन तरह की जो परमानेंट विंड्स थी, आपकी सन्मार्गी पवने, पछवा पवने और ध्रुवे पवने, इनके बारे में आपने नोट्स बना लेना और ठीक से समझ लेना, ठीक है। और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक्स।